शादी तय हो गई। एक राजकुमारी है। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहाँ का हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी लोग इकट्ठे हुए। भारत में ये परंपरा है कि दूल्हा अपने लोगों के साथ आता है। आम तौर पर आप देखेंगे कि वो घोड़े पर सवार होकर आएगा और वो अपनी दौलत दिखाएंगे, और दूल्हे के लोग अच्छे से तैयार होकर दिखावा करते हैं कि वो दुल्हन के पक्ष से कैसे बेहतर है। पर शिव के सर पर जटाएं थी, बाल उलझे हुए, सिर से पांव तक राख, एक हाथी जिसे अभी अभी मारा गया है उसकी खाल पहने हुए, जिससे खून टपक रहा था, और वो पूरी तरह मदहोश थे, बिल्कुल मदहोश। वो सभी टेढ़े मेढ़े प्राणी थे और उनके सभी साथी वो मानव रूप में नहीं थे और ऐसी भाषा बोल रहे थे कोई भी उनके शोर को समझ नहीं पा रहा था, जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। मीरा, पार्वती की माँ, ने दूल्हे की ओर देखा और उन्होंने फिर से कहा, ऊ माँ, ओ नहीं, और बेहोश हो गई। तब पार्वती ने शिव से विनती की, मेरी माँ के लिए बेहतर रूप धारण कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आपको इसी तरह चाहती हूँ, पर मेरी माँ के लिए थोड़ा सुंदर रूप दिखाइए। और एक बहुत सुंदर रूप धारण किया, अच्छे कपड़ों वाला रूप। फिर जब वो आए तो लोग बोले, ये सुंदर मूर्ति है, यानी आज तक का सबसे सुंदर व्यक्ति। वो 9 फीट लंबे थे। कहते हैं कि जब वो खड़े थे तो वो घोड़े के सिर तक ऊंचे थे, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है। जब वो दक्षिण में आए तो लोग बोले कि वो एक औसत महिला की ऊंचाई से 2 गुने लंबे हैं। आम तौर पर दक्षिण भारत की महिलाएं, काफी पहले दक्षिण भारतीय महिलाएं आम तौर पर 4.5 से 5 फीट, 5 फीट से कम होती थी, तो उन्होंने कहा कि वो एक औसत महिला से 2 गुने लंबे हैं, ऐसा बताया गया। वहाँ लोगों ने कहा कि वो घोड़े के सिर तक ऊंचे हैं, तो लगभग 9 फुट लंबा व्यक्ति, सबसे खूबसूरत व्यक्ति, और सभी उनकी उपस्थिति में हैरान थे। फिर वो आकर बैठे। शादी होने वाली थी। जब भारत में विशेष रूप से इस तरह की शादियां होती हैं, तब दूल्हा और दुल्हन के पूर्वजों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है कि उनके पूर्वज कौन है, उनका खून कितना शुद्ध है, वगैरह वगैरह। दुल्हन के लिए शानदार बातें कही गई। उनके पिता पहाड़ के राजा थे और शिव चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जो कोई भाषा बोल सकते थे। उनके साथ मौजूद दूसरे प्राणी अजीब आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता बुरा मान गए। बिना पूर्वजों के इस व्यक्ति से मेरी बेटी कैसे शादी करेगी? कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है, इसके माता पिता कौन हैं, इसका वंश क्या है, मैं इसे अपनी बेटी कैसे दूं? वो गुस्से में उठ खड़े हुए। तब एक ऋषि थे, नारद, जिनके पास एक तार वाला यंत्र, एक तारा था। वो बस टैंग 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 करते रहे। राजा को और भी गुस्सा आया। आप एक तारा क्यों बजा रहे हैं? नारद ने कहा, यही उनका वंश है। उनके पिता नहीं है, उनकी माँ भी नहीं है, तो उनकी बुनियादी क्या है? टैंग, ध्वनि ही उनकी बुनियाद है। वो बस एक कंपन से पैदा हुए हैं। उनके ना तो माता पिता हैं, ना ही कोई वंश। तब राजा चिढ़ गए, लेकिन शादी हो गई।